लॉकडाउन का चौथा दिन है, बावजूद इसके सुबह सुबह मुंबई के दादर स्थित सब्जी मार्केट में भारी संख्या में लोग सब्जी खरीदने पहुंचे। हालांकि ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि दुकानदार अधिक कीमत पर सब्जी बेच रहे हैं, जो कि मजबूरी का फायदा उठाने जैसा है। हालांकि कल जब नवी मुंबई के वाशी स्थित APMC मार्केट को शुरू करवाया गया तो आज मार्केट में सब्जी की गाड़ियां भी अधिक पहुंची है और ग्राहक भी। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि जब गाड़ी नहीं चल रही है तो हमें सब्जी महंगा मिलता है, जितनी गाड़ियां पहले आती थी उतनी गाड़ी नहीं आ रही है, जिस कारण भी सब्जी महंगी हो गई थी, लेकिन आज फिर सस्ती हो गई है सब्जियां। नहीं, उतना नहीं आ रहा, 20% ही आ रहा है गाड़ी, उतना नहीं आ रहा है, 20% ही आ रहा है। और जो लेने वाले कस्टमर, लेने वाले दूर दूर से अपना गाड़ी लेके आते हैं इधर, तो इधर इतना गर्दी हो जाता है, क्योंकि और किधर तो भाजी लग नहीं रहा है। जितना ही भाजी आ रहा है इधर, दादर फेमस है तो करके सबको मालूम है दादर के बारे में, पूरे मुंबई में तो पूरे पब्लिक इधर ही आ जाती है। दूसरी जगह बहुत लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा, जितना भाजी आएगा उतना ख़राब हो जाएगा, किधर जाएगा मरी, बहुत लोगों को नहीं मालूम। दादर है तो अपना आज से नहीं, बहुत पहले से है। जैसे कोरोना वायरस को लेकर कहा जा रहा है गर्दी कम करने के लिए, तो क्या आप लोगों को बताते हैं कि गर्दी? हाँ, इधर पुलिस वाले ही बताते हैं, लेकिन क्या करें, पब्लिक मानती नहीं है उनको। हम लोग बोलते भी कि दूर दूर से लो, दूर दूर से लो, लेकिन सबको चाहिए और सबको अपना अपना एरिया में सबको भाजी पूरा करना है, इसके लिए जो है कोई सुनता नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रमेश माने। अच्छा रमेश सर, जो मैं रिटायर्ड हूँ, 78 मेरी उम्र है आज के हाल से, और हम लोग सिर्फ दो जन बिया बीबी घर में है, मेरे घर में करने वाला कोई भी नहीं है, मजबूरी से नीचे आना पड़ा है। लेकिन मैं एक चीज़ अनुभव कर रहा हूँ, ये जो अभी मुझे मालूम नहीं हो दलाल लोग ज़्यादा ले रहे हैं या जो रिटेल वाले कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति का एकदम गलत लाभ उठा के लूटपाट हो रही है। कई टमाटर 100 रुपया बेचा जा रहा है, कई टमाटर 40 रुपया बेचा जा रहा है, यानी दो किस्म के इंसान हैं, जिनको लगता है कि भाई ठीक है ये गलत काम है, वो गलत काम नहीं कर रहे, और गलत काम करने वाले बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, अभी उसको क्या करेंगे। कुल मिला के लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मजबूरी का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत फायदा। ऐसे वक्त में तो लोगों को हेल्प करना चाहिए। अभी जापान में देखिए सुनामी आया तो होटल का रेट आधा किया उन्होंने, आइए खाना खा के जाइए। हमारे यहाँ घाटी में कुछ बरसात होता है तो चाय 50 रुपये में बेच के भाग जाते हैं, ये हमारे ही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है, बाहर से आए हुए लोग नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं।